अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 9 बजे हैं और बस अब बाहर जाके आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। और यहाँ से नज़ारा देखिए, और ये पार्किंग है पूरी, सामने स्कूटी खड़ी हुई है। मौसम देखिए, हल्की हल्की धूप भी नहीं है, मतलब बिल्कुल धूप भी छुपी हुई है, सूरज एकदम घटाओ के पीछे छुपा हुआ है। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इसी ये देखिए, इस होटल में मैं रुका हुआ था। होटल से निकलते ही मैं अगर आपको दिखाऊं तो इतना खूबसूरत नज़ारा यहाँ का देखिए। ये देखिए, हल्की हल्की धूप, कहीं कहीं छाँव, इस टाइप का नज़ारा। ये सर्दी अभी तो नॉर्मल है, मौसम अच्छा है, मतलब इतनी सर्दी नहीं है। उस सामने रेड कलर के अगर आप छतें आपको दिख रही होंगी, या इधर की साइड, ये पूरा आर्मी एरिया है, यहाँ पर आर्मी कैंट है, तो इसकी वजह से ये और ज़्यादा सेफ है। इसलिए इस एरिए की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फॉरेनर्स का आना बिल्कुल अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मतलब फॉरेनर्स यहाँ पर नहीं घूम सकते, सिर्फ इंडियन ही यहाँ पर घूम सकते हैं। आर्मी कैंट का एरिया है, यहाँ पर कुछ हिस्सों में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल बैन है। उसकी वजह है क्योंकि भी डिफेंस का एरिया है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर एहतियात किया गया है कि यहाँ पर आप कहीं वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकते। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि यहाँ पर फॉरेनर्स का आना बिल्कुल बैन है, मतलब फॉरेनर्स यहाँ आ नहीं सकते। सामने बंदर देखिए, कितने सारे बंदर यहाँ, बंदर और लंगूर को आप देखोगे तो बहुत सारा आपको मात्रा में मिलेंगे देखने के लिए। तो गाइस, हम जा रहे हैं यहाँ से टाइगर फॉल, जो कि यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है, और थोड़ी थोड़ी हवा भी लग रही है, थोड़ी थोड़ी सर्दी सी भी है। ये देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पेड़, और रास्ता कितना खूबसूरत एकदम, और ये पेड़ और ये हरियाली मतलब मन को एकदम ज़बरदस्त बना देती है, शांत कर देती है एकदम। अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, तो आप यहाँ आ जाइए और देखो रास्ते कितने पतले हैं। अगर कोई गाड़ी सामने से आ जाएगी तो यहाँ पर ये सीन हो जाता है। तो अगर आप स्कूटी बाइक से आएंगे तो ही यहाँ पर फ़ायदा है मेरे हिसाब से, वरना आपको ये तो चप्पे चप्पे पर आपको सीन मिलेगा। यहाँ से हम आ रहे हैं और ये दो रास्ते आते हैं, एक ये मेन रास्ता जाता है ऊपर को, और ये स्पेशल जाता है नीचे टाइगर फॉल के लिए। तो यहाँ से हमें नीचे से जाना पड़ेगा टाइगर फॉल, और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखिए, बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ का। मतलब पहाड़ भी एकदम हरे भरे हैं यहाँ पर, एकदम खूबसूरत, बिल्कुल सुनसान एरिया है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, दूर से दूर तक भी ना कोई गांव वाँव दिख रहा है यहाँ पर। अगर कोई गांव वगैरह दिखता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और ये सामने मुझे एक गाँव दिखाया है, यहाँ गाँव है, दो चार घर है, क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। सामने देखो, ऊपर भी छोटे छोटे घर बने हुए हैं, ये गांव में कोई घर है, घर के नीचे जो है ये आप देख रहे हो, ये खेती होती है यहाँ पर, तो छोटे छोटे खेत भी हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का, और हरे भरे पहाड़ एकदम, बहुत ही शानदार एकदम। ये रास्ता, और रास्ते के बिल्कुल साइड में कितना खूबसूरत व्यू यहाँ से मुझे दिखा, तो मैं यहाँ रुक गया क्योंकि, और धूप भी बहुत अच्छी पड़ रही है। हम ऊपर से आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, हम वहाँ से आ रहे हैं ऊपर से। ये कुछ यहाँ पर घर वगैरह और मार्केट छोटी सी। ये देखिए रोड टूटा पड़ा है यहाँ पे, तो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है ऐसे रोड पर। सुकून, मतलब सुकून जो है यहाँ पर टॉप लेवल का सुकून है। और ये देखिए यहाँ से नज़ारा खूबसूरत एकदम, ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ का पहाड़ों का। देखिए इधर का मैं आपको दिखाता हूँ करीब, बिल्कुल साइड से ले जाके। तो यहाँ का भी ख़तरनाक मोड़ है, आपको हॉर्न देते चले जा रहा है अगर आपको ऐसे रास्ते पर चलना होता है। और आप खुद सोचिए कि गाड़ी यहाँ कैसे आएगी, और गाड़ी आएगी तो कितना ख़तरनाक होगा गाड़ी से आना यहाँ। अब देखिए सामने से एक गाड़ी आ रही है, अगर यहाँ पे मैं गाड़ी से होता तो कितना रास्ता यहाँ बचता, आप ये अंदाज़ लगाइए खुद। यहाँ मैं रुका हूँ एक मैगी पॉइंट देख कर, और यहाँ का नज़ारा देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पर रास्ता भी कितना खूबसूरत है, और दूर से दूर तक भी कोई नहीं है, सामने नीचे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और ये खेती हो रही है, फार्मिंग वगैरह, और बहुत मज़ा आ रहा है। ये एक बोर्ड लगा हुआ है टाइगर फॉल, 7 किलोमीटर, अब यहाँ से कितने किलोमीटर है मुझे नहीं पता, लेकिन नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मज़ा आ रहा है, मतलब अंदर से मज़ा आ रहा है। और ये हल्की हल्की धूप बहुत ही ज़बरदस्त। और आप यहाँ से भी पूरा नज़ारा देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त वाला। ये डॉगी सो रहा है देखिए, और ये हमारी मैगी आ गई है,
भाइयों, मैगी बहुत औसम थी, ज़बरदस्त टेस्ट था। और पहाड़ों पर मैगी का जो मज़ा है वो कहीं नहीं हो सकता। घर पे बनाओ आप, कुछ भी डालो उसमें, जो मज़ा पहाड़ों पे मैगी का है वो कहीं नहीं हो सकता। हम चाय पी लेते हैं फिर आगे जाएंगे। ये देखिए, मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे एक ये वाटरफॉल दिखा छोटा सा। हालांकि मैं आपको बड़े वाटरफॉल के पास ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ जा सकता हूँ इसके पास। पानी कहाँ से आ रहा है मुझे भी नहीं पता। तो चक्की है ये, देखिए ये तो आटा पीसने की चक्की है, आटा पिसाई हो रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस, हम यहाँ आ चुके हैं और ये सामने टिकट काउंटर, और ये हमने दो टिकट लिए हैं। 30 रुपये का एक टिकट है टाइगर फॉल का। पार्किंग वगैरह का एरिया यहाँ आप खड़ी कर सकते हो। हालांकि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर है टाइगर फॉल, आपको पैदल ट्रैकिंग करनी होगी, लेकिन आप चाहो तो अपनी स्कूटी बाइक से आप नीचे से भी जा सकते हो। ये देखिए पार्किंग, ऊपर से हम आए थे। और ये भाई साहब, ड्यूरेशन एमिड। तो ये देखिए, इधर को जाना है तो ये यहाँ से रास्ता जा रहा है। लोग भी यहाँ पर ना के बराबर हैं, बहुत ही शांत प्लेस। तो दोस्तों, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो मैं अब आपके सामने ला रहा हूँ। एक बहुत खूबसूरत सा झरना जिसकी हाइट 312 फीट है, जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा झरना है और ये बताया था कि इंडिया का भी सबसे ऊंचा झरने में से एक है। तो आइए ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये सामने आपको दिख रहा होगा। तो चलिए करीब से लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत झरना है ये। यहाँ पर लोग नहाते भी हैं गर्मियों में, समर का टाइम चल रहा है अभी, लेकिन आज थोड़ी सर्दी है। ये देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो इसकी जो हाइट है और जहाँ से गिर रहा है, गिरने के बाद जो पानी जो उछल के बूंदे बूंदे आ रही है, झारा टाइप सा, वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर यहाँ मैं 5-10 मिनट खड़ा रहूँगा तो मैं ही खुद भीग जाऊँगा। बहुत ही ज़बरदस्त आलीशान। और यहाँ देखिए लोग नहा रहे हैं, आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाइए। देखिए पूरा ये झरना उड़ रहा है और बौछार है पानी की, मेरे मुँह तक, मेरे पूरे बॉडी पर आ रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। ये एक बहुत खूबसूरत पॉइंट चकराता का, जिसके लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे झरना कितना खूबसूरत लग रहा है और पानी बिल्कुल ठंडा है। मैं नहाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, बीमार हो जाऊंगा अगर नहाऊंगा तो। यहाँ से देखिए पानी की बौछारें मेरे ऊपर आ रही हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और इसका मैं आपको बता दूँ, इसका नाम टाइगर फॉल क्यों पड़ा। ये इतने ऊपर विशाल जगह से गिर रहा है, इतनी हाइट से गिर रहा है, उसकी जो आवाज़ है, इसकी जो गरज है, ये उसकी वजह से इसका नाम टाइगर फॉल पड़ा। तो इसकी ये हिस्ट्री है कि इसका नाम टाइगर फॉल क्यों है। तो ये देखिए, मेरा कैमरा भी पूरा का पूरा गीला हो गया है। और यहाँ से पूरा खूबसूरत नज़ारा देखिए इस फॉल का, बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम आलीशान नज़ारा यहाँ का। और लोग नहा भी रहे हैं यहाँ। 312 फीट ऊंचाई पे से गिर रहा है, बिल्कुल सीधा वाटरफॉल है टाइगर वाटरफॉल, जो कि बहुत विशाल है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बूंदाबांदी का सा माहौल है ये देखिए, लेकिन अच्छा है। बादल देखिए, बारिश हल्की हल्की हो रही है, कोई नहीं, हम इस बारिश में ही मज़े लेंगे। तो भाइयों, कमेंट करके बताना कैसा लगा टाइगर फॉल।
यहाँ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है एकदम। कितनी हाइट पर हमें अभी रास्ते में जा रहा हूँ मैं, थोड़ा रुका था भाई। हम जा रहे हैं यहाँ से लोखंडी। लोखंडी एक छोटा सा पॉइंट है, लोखंडी के नीचे थोड़ा खूबसूरत सा व्यू दिखता है वहाँ। ये देखिए हम पहाड़ों की गोद में कितने खूबसूरत नज़ारे के साथ हम यहाँ पर चल रहे हैं। धूप नहीं है, बादल भी अच्छा खासा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ का। और ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये फूल देखिए पूरे पहाड़ पर ऐसे ही ऐसे फूल हैं यहाँ पर, वाइट वाइट कलर के, पूरा दिख रहा है एकदम बिल्कुल बेहतरीन एकदम खूबसूरत। और ऐसे ही इधर है, कैमरे में शायद ऐसे ना चमक रहे हों। हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमें जो हमने कल पेट्रोल लिया था, आपने देखा होगा कल वाले व्लॉग में हमने पेट्रोल लिया था, वो पेट्रोल भी ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने के कगार पर है। और हमने चक्राता में पता किया था तो चक्राता में भी पेट्रोल पंप नहीं था कोई, 20 किलोमीटर का रह गया। और जहाँ से मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा सा एक रिस्क वाला हो सकता है कि अगर पेट्रोल पंप आगे नहीं मिला तो दिक्कत हो सकती है मेरे साथ। बहुत अच्छे रोड यहाँ पर, रोड अच्छे हैं लेकिन बस पेट्रोल की दिक्कत है, पेट्रोल नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। और धूप देखो, धूप जैसी आती है तो एकदम गर्माई सी फील होती है एकदम, बहुत अच्छे तरीके से सर्दी में आप फील करते हैं ना, जनवरी दिसंबर के मौसम में आग या हीटर के सामने बैठकर जो फील होता है बिल्कुल ऐसा ही सुकून मिल रहा है। बहुत ज़्यादा वादे किसी ने बताया कि इस गांव में पेट्रोल मिल सकता है, यहाँ पे कोई शॉप बता रहे हैं, हम शॉप ढूंढ रहे हैं कहाँ पे है वो। एक बार वापस आया मैं, एक बार ऊपर चला गया था फिर वापस आया हूँ। वो ये जो बच्ची है इन्होंने हमारी मदद की, हमारे साथ आए। आ रहे हैं? नहीं है, है ही नहीं। अच्छा तो अब आगे ही मिलेगा है ना, चलो आगे देख लेते हैं। नहीं मिला, थैंक यू। तो भाइयों ये देखा आपने, उन्होंने अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दिया पेट्रोल के लिए, क्योंकि हमें शॉप नहीं मिल रही थी, हालांकि हमें पेट्रोल नहीं मिला यहाँ पर। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये हेल्पफुल मतलब इतना नेचर किसी का हो कि अपनी बेटी को ही, और वो भी आज के ज़माने में जिसमें इंसान किसी पर यकीन ही नहीं कर सकता, पहाड़ी लोग होते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। आगा व्यू देखिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक चल रहा है और पहाड़ थोड़े सूखे सूखे से पहाड़ियाँ। फुल एंजॉय हो रहा है यहाँ पर और रास्ते भी बहुत खूबसूरत बनाए हुए हैं। भैया यहाँ पे पेट्रोल कहाँ मिलेगा? कोटी में मिलेगा, कोटी में। बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए सामने खेती हो रही है किसी चीज़ की, शायद गेहूँ है। ये देखिए गेहूँ के खेत। और सर्दी इस कदर की बढ़ गई है, बहुत ही ज़बरदस्त सर्दी है, हाथ पूरी तरीके से सुने हैं। देखिए ये चीज़ होती है, यहाँ ट्रक आ रहा है तो हम यहाँ रुक गए हैं क्योंकि रास्ता ही नहीं है इतना कि हम निकल पाएंगे, इसलिए गाड़ी से थोड़ा रुक गए यहाँ पे। अब हम यहाँ पर चलेंगे, और ऐसा ही नहीं है खाली हम ही रुके थे, हमारे पीछे भी कुछ लोग रुके हुए थे। तो फाइनली भाई हमें पेट्रोल मिल गया है यहाँ पर, एक ढाबा। ये कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही प्यारा नज़ारा। तो भाई फाइनली हमें पेट्रोल यहाँ मिल गया है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही प्यारा, मज़ा आ रहा है, मतलब फुल एकदम यहाँ पर एंजॉय हो रहा है ज़बरदस्त, क्योंकि आसपास का जो वेदर है और आसपास का जो माहौल है बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। ये घटा देखिए कितनी ज़बरदस्त घटा है यहाँ पर, और मैं ठिठर उड़ा हूँ इस व्लॉग को बनाते हुए। और हमने ऑर्डर दिया इनको ऑमलेट और बन यहाँ पर है, और चाय बन रही है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, 17 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है यहाँ का, और देखिए मेरी चाय। और मौसम गजरीला हो रहा है, बारिश का सा मौसम, बारिश की हल्की हल्की बूंदें देखिए पड़ भी रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहीं पर फंस गए हैं। और ये बारिश देखिए, बारिश बड़ी ख़तरनाक यहाँ पर, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बारिश। और ये देखिए बाहर बारिश हो रही है और यहाँ लोग अंदर बैठे हुए हैं। भाई करीब 1 घंटा हो गया मैं यहाँ फंसे हुए, और मौसम देखिए कितना ख़तरनाक है। और ये देखिए हल्का हल्का सा आपको धुआं कोहरा सा दिख रहा होगा, ये कोहरा नहीं है दरअसल, ये बादल है, इस टाइप का ही बादल होता है। ठीक है सर, थैंक यू। दोस्तों बारिश कुछ बंद हुई तो मैं चक्राता वापस जा रहा हूँ, वापस कल इधर आऊँगा एक बार, और जो भी यहाँ के पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं वो आपको मैं दिखाऊँगा। फ़िलहाल मैं चक्राता वापस जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर के आसपास चक्राता है, और टाइम भी करीब 1.5 घंटा लगेगा, और हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है बारिश के बाद, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरा एक हाथ जेब में है क्योंकि
हाथ दोनों सुन हो गए हैं। ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ये देवदार के पेड़ हैं, और इसकी वजह से बताया जाता है कि जो यहाँ पे बारिश का जो ज़्यादा वो होता है कि बारिश रुकेगी नहीं रुकेगी ऐसा बताया जाता है, उसकी वजह ये पेड़ भी हैं, क्योंकि इन पेड़ों की वजह से जो मौसम है यहाँ का वो इस टाइप का रहता है। 5 बजे के करीब का टाइम हुआ है अभी, देखो क्या होता है। तो दोस्तों देवदार के पेड़ों के बीच मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि मेरी जो आप ये देख रहे हो ये गीली होने लगी है, और मेरे पास इकलौती यही जैकेट है जो मैं पहन कर आया था, और मुझे लग रहा है कि एक चकराते जाते जाते ये पूरी की पूरी गीली हो जाएगी, इस वजह से मेरे पास फिर इसके अलावा कुछ है भी नहीं। यहाँ देखिए बादल है पूरा, ये पूरा का पूरा बादल है, और बादल की बौछारें हैं, हल्की हल्की फील हो रही हैं, ये कोई कोहरा वगैरह नहीं है। पूरा नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, और मैं इस टाइम पर जो ठंड फील कर रहा हूँ वो मैं आपको बता नहीं सकता। पूरा का पूरा बादल ये आपको दिख रहा होगा यार, बारिश ने सारा का सारा प्लान मेरा चौपट कर दिया जो मैंने सोच कर आया था। लेकिन पहाड़ों पर हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए हमेशा से कि मौसम हमारे हिसाब से नहीं रहता है पहाड़ों का, बल्कि हमें पहाड़ों पर मौसम के हिसाब से चलना पड़ता है। उंगलियाँ बिल्कुल जम चुकी हैं, ऐसा लग रहा है इसे अजीब सा हो गया हो, देखो हाथ देखिए मेरा कैसा हुआ पड़ा है। ये देखिए यहाँ ऐसी ख़तरनाक बारिश हुई है कि ओले पड़े हैं पहाड़ों पर, इतने ख़तरनाक हैं ये सड़क के, देखिए इतना ज़बरदस्त व्यू इन ओलों का, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि बारिश कितनी ख़तरनाक हुई होगी यहाँ पर, और अभी भी हो रही है। मैं पूरा भीग चुका हूँ, और आप देखिए ये पूरा व्यू ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है बर्फ़ पड़ी हो पहाड़ों पर, पूरा का पूरा एकदम ज़बरदस्त। ये देखिए तो यहाँ का मुझे लगता है 12 डिग्री टेम्परेचर आराम से होगा, 12 या 10। मेरे मुंह से पूरे तरीके से बोल भी नहीं निकल पा रहे हैं सर्दी की वजह से। ये सामने हम चक्राता के अंदर एंट्री कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों मैं रूम पर आ गया हूँ, और ये तीन कंबल देखिए, तीन कंबल में मैं लेटा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। मेरी कुकड़ी जब पड़ी है मुंह से बोल नहीं निकल पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।